हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी डिजिटल क्लासेस। इस वीडियो में हम लेसन फिफ्थ कवर करेंगे जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, जनधन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे एंड मेथड ऑफ किसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं या फिर क्या क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो इस लेसन फिफ्थ का नाम है डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म। लेसन का नाम है डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है ऑनलाइन बैंकिंग। फर्स्ट क्या टॉपिक है? ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी यूज़ भी करते हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है और इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है कि इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट निकालना, जैसे अपन पहले ऑफलाइन करते थे ना, बैंक में जाके स्टेटमेंट निकलवाना, बैंक इंक्वायरी करना, वो सब हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या हो सकता है कि इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो काम हम पहले ऑफलाइन करते थे, ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी करना, बैंक स्टेटमेंट निकलवाना, वो सब हम क्या कर सकते हैं? अब ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यही क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग। मतलब ये क्या है? एक बैंक ही है, बट किस टाइप का? ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे, जैसे ऑनलाइन में हमें क्या मिलता है? 24/7 क्या मिलती है? हमें सर्विसेज मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या हो गया? 24/7 हमें क्या मिलती है? सर्विसेज, ठीक है। कहीं भी कभी भी, मान लो आप घर पे हो तो भी आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग का क्या कर सकते हो? बेनिफिट उठा सकते हो। आप घर से बाहर हो तो भी आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा उठा सकते हो। तो 24/7 इसकी सर्विसेज हमें मिलती है। और एक क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। तो इसमें क्या है? सिक्योरिटी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं इसमें? ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हैं। ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी क्या आती है? कम आती है, ठीक है, कॉस्ट भी क्या आती है? कम आती है, ठीक है। ये भी क्या एक बेनिफिट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसे भी हमें पैसा भेजना हो, हम उसे क्या कर सकते हैं? उसके अकाउंट में पैसे या मनी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे। 24/7 क्या मिल सकते हैं? हमें बेनिफिट मिलती है। एक फायदा है, यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हैं? हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? यूटिलिटी बिल्स मतलब जैसे बिजली का जो बिल होता है उसका पेमेंट करना, ठीक है, पानी के बिल का पेमेंट करना, रिचार्ज, ये सब, और डीटीएच का रिचार्ज करवाना, ये सारे कौन से होते हैं? यूटिलिटी बिल्स होते हैं। ये भी हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट इनके द्वारा कर सकते हैं। तो ये क्या है? इनके ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स यानी फायदे हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट सर्विसेज, यानी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हमें कौन सी सर्विसेज मिलती है। सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। सबसे पहले यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक सर्विसेज है, सर्विस मिल रही है ना हमें ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा। नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आधार को क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेबिट कार्ड की जो पिन है ना वो रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड की पिन क्या कर सकते हैं, हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, रीजनरेट डेबिट कार्ड पिन, ठीक है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें डेबिट कार्ड का पिन को क्या करना है, रीजनरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती है किसके थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि कौन से क्या मिलते हैं, हमें सर्विसेज मिलती है। जैसे पेमेंट कर सकते हैं हम यूटिलिटी बिल्स का, नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट रीजनरेट कर सकते हैं किसको, डेबिट कार्ड के पिन को, नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सर्विसेज है, किसके थ्रू मिलती है हमें, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट के टाइप। सबसे पहले जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या हम सोचते हैं कि हमें क्या करवाना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। तो कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, थ्री टाइप के। कौन से, करंट अकाउंट, ठीक है, सेकेंड सेविंग अकाउंट, ठीक है, थर्ड है रिकरिंग अकाउंट। कितने टाइप है बैंक अकाउंट के, थ्री टाइप्स है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। ये ध्यान रखना पॉइंट ओनली, ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट जनधन अकाउंट, इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है। जनधन अकाउंट की स्टार्ट किसने किया था, जनधन अकाउंट को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया है, जनधन अकाउंट का स्टार्टिंग किया गया है। कब किया गया है, अगस्त 2014, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया है। और कब किया गया है स्टार्ट, 2014 अगस्त, ठीक है। डेट याद रखना, डेट और मंथ दोनों याद रखनी है कि कब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ जाएगा 2014 सितंबर, 2014 नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डेट और मंथ आपको जनधन अकाउंट का क्या करना है, याद करना है, एग्जाम में आता है, तो आप एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। जनधन की स्टार्टिंग कब हुई थी, 2014 अगस्त में, ठीक है। जनधन अकाउंट
प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट क्यों किया था कि जो हमारे इंडिया के जितने भी जो फाइनेंशियल रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक ऐसा अकाउंट खुलवाना ताकि उनके लिए जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट क्या करवाती है निकलवाती है, जो भी सर्विसेज लाती है गवर्नमेंट उनके लिए, उनको क्या मिल सके, उनकी फैसिलिटी मिल सके, उनको उनकी क्या मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। मतलब बेसिकली ये है कि जो भी सिटीज़न है जो फाइनेंशियल रूप से क्या है कमज़ोर है, ऐसे लोगों को क्या मिल सके, सर्विसेज मिल सके। ठीक है, तो इसका क्या मोटिव था कि जो फाइनेंशियल वर्ग से जो कमज़ोर जितने भी नागरिक है, जितने भी सिटीजन्स है, उनको क्या मिल सके, ऑनलाइन सर्विसेज मिल सके। ठीक है, जैसे पेंशन वगैरह आती है, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह आती है, तो उनको क्या मिल सके, डायरेक्ट बैंक के थ्रू मिल सके। तो ये ध्यान रखना, कब स्टार्ट हुआ था, 2014 को, 2014 अगस्त में क्यों स्टार्ट किया था, जो फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है उनको क्या मिल सके, ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज है गवर्नमेंट उनके लिए सर्विसेज निकलवाती है तो उनको क्या मिल सके, इनका फ़ायदा मिल सके। तो ये क्या है, जनधन अकाउंट है। अब मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है, यानी डिजिटल पेमेंट के मेथड्स, कितने मेथड है डिजिटल पेमेंट करने के, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के, ऑनलाइन पेमेंट करने के कितने मेथड है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड, सेकेंड वन इज डेबिट कार्ड, थर्ड रुपए कार्ड, फोर्थ पोस POS, फिफ्थ नेट बैंकिंग। ये सारे क्या है, मेथड है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के या डिजिटल पेमेंट करने के, क्या है मेथड्स है। फर्स्ट कौन सा है, क्रेडिट कार्ड, सेकंड वन इज डेबिट कार्ड, थर्ड वन इज रुपए कार्ड, एंड फोर्थ पोस एंड फिफ्थ नेट बैंकिंग। ठीक है, ये सारे क्या है, मेथड है। अब हम इनको क्या कर ले, स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एक मेथड है ऑनलाइन पेमेंट करने का। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, एक मेथड है ऑनलाइन पेमेंट करने का। और ये क्या है, एक प्लास्टिक से बना हुआ छोटा कार्ड होता है, ठीक है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ये क्या है, ये एक कार्ड है जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक्स, ठीक है, बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। कोई भी पर्सन अगर इसके लिए अप्लाई करेगा तो उसे क्या मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक मेथड है किसका, डिजिटल पेमेंट का, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल कार्ड है, छोटा कार्ड है, किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का, ठीक है, किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का। इसे कौन जारी करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस बैंक, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको जनरेट करते हैं, ठीक है, बैंक ही क्या प्रोवाइड करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, रजिस्टर करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये क्या है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी क्या है, एक वे है या एक मेथड है ऑनलाइन पेमेंट करने का, ठीक है। ये भी किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ एक कार्ड होता है जो स्मॉल साइज में होता है। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसे भी बैंक द्वारा यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो डेबिट कार्ड भी क्या होता है, एक मेथड है
मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, ये भी किसका बना हुआ होता है, स्मॉल कार्ड होता है, किसका बना होता है, प्लास्टिक का, जिसे कौन जनरेट करता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेबिट कार्ड। नेक्स्ट थर्ड वन इज रुपए कार्ड। अब रुपए कार्ड क्या होता है, रुपए कार्ड भी क्या होता है, एक डिजिटल पेमेंट करने का क्या है, मेथड है। रुपए कार्ड को किसने जारी किया, NPCI ने, ठीक है। जो रुपए कार्ड होता है वो सेम एज किसकी तरह होता है, डेबिट कार्ड की तरह। जो काम डेबिट कार्ड करता है वही कौन करता है, रुपए कार्ड। ये हमारा इंडियन वर्जन है, इंडियन वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है रुपए कार्ड। रुपए कार्ड भी क्या है, एक मेथड है, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट। इसे किसने जारी किया है, NPCI। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, हर चैप्टर में भी बोला है कि आपके एग्ज़ाम के लिए शॉर्टकट की और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो आप शॉर्टकट कीज़ एंड फुल फॉर्म्स एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये क्या हो गई, NPCI की फुल फॉर्म। अब रुपए कार्ड किसका वर्जन है, इंडियन वर्जन है डेबिट कार्ड का, ठीक है। रुपए कार्ड किसका वर्जन है, डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड का कौन सा वर्जन है, इंडियन वर्जन, ठीक है। ये हमारा रुपए कार्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोस, ठीक है। पोस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। ध्यान रखना क्या है पोस की फुल फॉर्म, पॉइंट ऑफ सेल। ये भी क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मेथड मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल। ये एक प्रकार का छोटा मशीन होता है, आपने देखा होगा रिटेल शॉप में या फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। ये क्या होती है, पोस मशीन होती है। उसमें क्या होता है कि कार्ड स्वाइप करना होता है, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन ने क्या की, शॉपिंग की, खरीदारी की, तो उसको क्या करना पड़ता है, कार्ड स्वाइप करना पड़ता है और उसके अकाउंट से क्या होता है, पैसे लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो पोस क्या होता है, एक फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। ये क्या होती है, एक मशीन होती है, ठीक है, जहाँ पे यूज़र या जितने भी कंज्यूमर हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से उसके क्या होते हैं, मनी यानी पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अकाउंट से उसके। और ये कहाँ पे होते हैं, मोस्टली रिटेल शॉप में एंड शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है। नेक्स्ट था नेट बैंकिंग, फिफ्थ इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग भी क्या है, एक मेथड है ऑनलाइन पेमेंट करने का। इसे क्या बोला जाता है, ऑनलाइन पेमेंट भी बोला जाता है, इंटरनेट पेमेंट भी बोला जाता है। यानी नेट बैंकिंग क्या है, एक मेथड है, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है,
इसे इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा यानी नेट बैंकिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने बैलेंस का इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कंप्लीट हो गए, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। देख लेते हैं हमने क्या क्या इस वीडियो में कवर किया। सबसे पहले हमने लेसन का नाम देखा क्या है, डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म। उसमें हमने पढ़ा ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग क्या है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ये क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग होता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, कि एक कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे 24/7 उसे क्या मिलती है, सर्विस मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें कॉस्ट भी उसे क्या लगती है, कम लगती है। और पैसे यानी मनी सही जगह पे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। यूटिलिटी बिल्स का क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेनिफिट्स है यानी फ़ायदे किसके, ऑनलाइन बैंकिंग के। नेक्स्ट, सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज एक पर्सन को, एक ऑनलाइन जो यूज़र होता है, ठीक है, जो ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ कर रहा है, उसको क्या क्या सर्विसेज मिलती है। जैसे वो पेमेंट कर सकता है यूटिलिटी बिल्स का, ठीक है, आधार को ऑथेंटिकेट कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है डेबिट कार्ड के पिन को, बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकता है, बैंक की बैलेंस की इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्या मिलती है, हमें सर्विसेज मिलती है ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कितने टाइप है, 3 टाइप है, फर्स्ट करंट अकाउंट, सेकेंड सेविंग अकाउंट, थर्ड इज रिकरिंग अकाउंट। नेक्स्ट, जनधन अकाउंट किसने शुरू किया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया एक अकाउंट है, जो कब स्टार्ट किया था, 2014 अगस्त को। ठीक है, ये किस लिए स्टार्ट किया था, कि जितने भी हमारे इंडिया में फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उनको क्या मिल सके, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो जनधन अकाउंट के थ्रू मिल सके। नेक्स्ट, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट देखा था, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, फिर थर्ड रुपए कार्ड, फोर्थ पोस एंड फिफ्थ नेट बैंकिंग। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी क्या है, एक मेथड है डिजिटल पेमेंट करने का, और ये प्लास्टिक से बना हुआ एक कार्ड होता है। ठीक है, इसे कौन जारी करता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक, वो क्या करती है, इनको जारी करती है। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड भी क्या है, एक मेथड है डिजिटल पेमेंट का, ये भी किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ एक कार्ड होता है। ठीक है, इसको भी कौन जनरेट करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक। नेक्स्ट, रुपए कार्ड को किसने बनाया है, NPCI ने। NPCI के फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, एक मेथड है डिजिटल पेमेंट करने का, और ये किसका इंडियन वर्जन है, डेबिट कार्ड का क्या है, एक इंडियन वर्जन है। नेक्स्ट, पोस क्या है, पोस भी एक मेथड है डिजिटल पेमेंट करने का, फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इस ये कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो रिटेल शॉप या शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना उनमें, और इसमें कार्ड स्वाइप करते ही हमारे अकाउंट से क्या कट जाते हैं, जो हमने अमाउंट की शॉपिंग की है उसका क्या कट जाता है, पैसे। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग भी क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।